शैम्पू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी शैम्पू मैंने इल्ला माशाल्लाह हमेशा साबुन से नहाता हूँ। इसी वजह से मेरे बाल अब तक काले हैं, मेरे जितने भाई हैं उनके बाल देखो, मेरे अभी तक कोई काला कोरा नहीं लगा रहे, सब काले बाल हैं मेरे, तो मैंने कभी शैम्पू नहीं लगाया। ये शैम्पू वक्ती तौर पर रेशमी बाल और ये यूँ ऐसा आदमी कहता है वाह भाई वाह, उसके बाद इसकी आदत, इसमें केमिकल होते हैं, इसकी आदत पड़ती है आपको, नहीं लगाएंगे तो जैसे स्प्रे आ रहा है ना, ये जो आप खेतों में स्प्रे करते हैं, इन स्प्रे जो स्प्रे है ना, इन्होंने हमारी खेतियों का क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क। अब अगर वो स्प्रे नहीं करे तो खेती पैदा ही नहीं होती। तो अपने आप को इन मसनूई चीज़ों का आदि बोलो भाई मत बनाओ। तो अगर ये जो खासतौर पर ख्वातीन के साथ मसाइल होते हैं, ये एलोवेरा है, इसी की जेल है, इसी की जेल की दवाएं बनती हैं, वो ले लेते हैं। अरे भाई यही अल्लाह ने पैदा कर दिया, इसी को लगा लो, ठीक है, यही कंपनी में जाएगी, इसमें दो तीन चीजें वो अपनी तरफ से मिलाएंगे इसको सेव करने के लिए, केमिकल डाल देंगे, फिर वही 10 गुना ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, वो लगा रहे हैं लोग, जिसमें साइड इफेक्ट भी हैं। और जो अल्लाह ने इतना आसान रख दिया, ये एलोवेरा अमरीका में इतना महंगा है, किसी ने बताया कि कोई तिजारत करना चाहता है ना, एलोवेरा के जेल बना बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, और हमारे यहाँ ये जगह जगह हुआ हुआ होता है। उस दिन मैं हसनाबाद से गुजर रहा था, एक आदमी ने इतने एलोवेरा के पौधे ला के फेंके, बोला यार ये मैंने उठा लिए वो, मैंने कहा ले भाई, मैंने अपने सब बच्चों को ले जाया, ला के ना चमचे से भर भर के खिला दिए, मैंने कहा खा लो, क्योंकि ये इसमें बड़े प्रोटीन होते हैं, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है ये। तो इस तरह की कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर लें, शैम्पू वैम्पू की बजाय सर में दही लगा लें माजरत के साथ, सही है ना, अपने खर्चे पे अंडा वंडा लगा लें, तो शैम्पू भी कर लें तो कर लें, घर में फड्डेबाजी ना करें जाके। वो ऐसा होता है ख्वातीन के फ़ोन आते हैं, मियाँ ने शैम्पू की बोतलें तोड़ दी आपका बयान सुन के, अब इतना ना करें, वो इस्तेमाल अगर कर रही है तो करने दें, उसको समझा दें बेगम इससे वक्ती फ़ायदा है बाकी फ़ायदा नहीं है, मान जाए ठीक है, नहीं माने तो बस चलो ले आओ शैम्पू ले आओ, कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, कोई जन्नत और ये नहीं कि जो शैम्पू नहीं लगाएगा वो जन्नत में जाएगा और जो शैम्पू लगाया वो कहाँ जाएगा, जहन्नम, इतना बड़ा मसला नहीं है ये।